में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24, उसमें ये डेटा दे दिया है, यू एंड एफ दे दिया गया है और ये बता दिया गया है यू किसके इक्वल है। इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक मीन ही फाइंड आउट करना है। दूसरे नंबर पर मैंने ये बताना था कि क्वेश्चन नंबर 23 जो किया है उसके लास्ट में जो हमने एवरेज निकाली है हार्मोनिक मीन की, यानी कि हार्मोनिक मीन निकालना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में लगाना आपको या बताना भूल गया हूँ कि 23 क्वेश्चन में माइल पर आवर ये भी साथ लिखना था। अभी इसको लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को, इसमें क्या कहता है कि आपके पास ये डेटा है। अब इस डेटा में सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स, क्यों, क्योंकि फार्मूला देखें ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला के लिए हमें सबसे पहले एक्स भी चाहिए, फिर उसका एफ ओवर एक्स करें, एक्स कैसे निकालेंगे, ये सिक्स सिक्स इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी सिक्स इधर आया तो मल्टीप्लाई हो गया और 136.5 इधर आया तो इधर मैंने इसका था उधर जाके प्लस का हो गया, इसका मतलब एक्स किसके इक्वल है, एक्स इक्वल सिक्स यू प्लस 136.5। अब यू को सिक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और 136.5 इसमें ऐड करते जाएंगे। जल्दी से कर लेते हैं, सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर प्लस 136.5। मैं आपको साथ साथ दिखा भी देता हूँ, सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन, सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर प्लस 136.5, इसमें का जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ये मेरे पास आ रहा है 18। इसका भी सम चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया। अब क्या करेंगे, एफ ओवर एक्स करेंगे, एफ वाली वैल्यूज डिवाइड बाय एक्स वाली, ये बनाना है एफ डिवाइड बाय,
मेरे पास आंसर जो है 4 डिजिट तक फिक्स करके आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैंने कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। कैसे मैंने फिक्स किया? मैंने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि मैंने फिक्स कैसे किया। तो नहीं देखी वीडियो वो लाजमी देख लें। इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्दी मैं पेपर के रिलेटेड ट्यूटोरियल जितने भी होंगे वो अपलोड कर दूंगा, वो भी आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसमें आंसर आया मेरे पास ये वाला, इनको ऐड करके मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ 80 प्लस करूँगा, 80 लिखूँगा, डिवाइड बाय आंसर कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ एक बार, तो ये मेरे पास आ रहा है 134.5895। मैं भी अब थोड़ा बहुत डिफरेंस है जे बुक के आंसर से, तो अक्सर मुझे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर आपका आंसर बुक से मैच नहीं करता। तो कोई बात नहीं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि हमारे आंसर जो है बहुत से बुक से मैच क्यों नहीं कर रहे हैं।